का लेसन टू अध्याय दो अमराई पढ़ने जा रहे हैं। अमराई का मतलब एक बाग बगीचा होता है जिसमें पौधे वगैरह लगे रहते हैं। तो ये जो पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं अमराई के बारे में ही है। तो जैसा कि आपने सुना होगा गाँव में जो है अधिकतर क्या होता है कि झूले वगैरह डल जाते हैं सावन के महीने में। तो ऐसा ही हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो अमराई थी इसमें सावन का समय था तो झूला पड़ जाता था सावन में ही, तो और विजयदशमी तक रहता था। विजयदशमी इट मीन्स दशहरे तक ये झूला चलता था। सुबह शाम जो है बच्चे जो हैं लड़के लड़कियां जो होती हैं बालक बालिकाएं वो आके इसमें खेला करती थी, और शाम के समय युवक और काफी सारे मतलब वो घूमते थे और युवतियां जो है वो झूला झूलती थी। और ये उन दिनों की बात है जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये बात उस समय की है जब हमें जो भारत देश था हमारा भारतवर्ष आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारा देश आजाद नहीं था। कांग्रेस के सब नेता जितने भी नेता थे जो कि आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे या किसी के बारे में पता चल जाता था तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उस दिन राखी का त्योहार था, जिस दिन की बात है बहनें अपने भाइयों के लिए जो है इसी जो अमराई की जगह थी इसी अमराई में ही सभी लोग जो है बहने अपने भाइयों को राखी बांधा करती थी, उसी की तैयारी चल रही थी। सारे लोग एकत्र हो गए थे, जो बहने भाइयों को पहले कुछ खिलाती थी, माला पहनाती थी, हाथ में नारियल देती थी उनके, और फिर तिलक लगा के उनको राखी बांध दिया करती थी। और भाई भी जो है और साथ में भाई से कहती थी भाई जो है इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी भी पीठ मत दिखाना। एक तरफ तो ये राखी का दृश्य था और दूसरी ओर जो छोटे छोटे जो बच्चे थे बच्चियां थी वो झूले पर झूल रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक लड़का आया और झंडा रहे ऊंचा हमारा ऐसे करके घूमने लगा। सारे बच्चे अब उसी के साथ हो लिए, कजली बजली वो जो कुछ गाना वाना गा रहे थे सब भूल गए, अपना खेल गए, बस यही सब शुरू हो गए। और जब ये सारी खबर जो है ठाकुर साहब तक पहुंच गई, जो ठाकुर साहब थे उन्हीं की वो उमराई थी जिसमें वो झूले वगैरह लगे हुए थे जहाँ ये लोग अपना प्रोग्राम करते थे। अभी तीन महीने पहले ही जो है ये ठाकुर साहब जो थे यहाँ के राय साहब हुए थे और मजिस्ट्रेट तो वो थे ही, राय साहब की उन्हें पदवी मिली थी। तो वो सरकार के शुभचिंतक भी थे। जब उन्हें ये आवाज सुनाई दिया क्योंकि ऐसा सब जो करते थे उनको असहयोगी मतलब बोलते थे कि ये सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो असहयोगों का तो अड्डा बन जाएगी इस तरह से अमराई, तो वो घबराए एकदम, तुरंत उन्हें घोड़ा लिया अपना, घोड़े पे बैठे और चल पड़े। और जैसे वो पहुंच रहे थे पुलिस भी पहुंच गई वहीं पे ही। अब जो दरोगा थे नियामक अली जो, उन्होंने एकदम बिगड़ कर उनसे कहा कि ठाकुर साहब आपसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आपके ऐसे अमराई में ये काम होगा, आप जल्दी बंद कराइए इसको अभी 5 मिनट के अंदर ही, भीड़ हटवाओ यहाँ से अपनी वरना हमें मजबूर होकर यहाँ पे लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने एकदम नम्रता से कहा दरोगा जी ठीक है मैं अभी इसको हटवा देता हूँ। और नियामक अली एकदम गुस्से से बोला फिर, पर वो बोले कि नहीं थोड़ा 10 मिनट तो मुझे लग ही जाएंगे ना, तो कह रहे 10 मिनट देता हूँ अगर नहीं सब आपने हटवाया ना भीड़ तो अभी लाठियां चलेंगी फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर साहब जो है उस अमराई में पैर रखा ही था घोड़े से उतर के, तो उन्हीं का 7 साल का एक पोता था विजय उसका नाम था, और वो जो है अभी हाथ में एक लकड़ी लिए हुए उसको लेके आया, देखो दादाजी ये तलवार है मैं भी बहादुर बनूंगा तलवार से लड़ाई करूंगा मैं। साथ में बहन भी थी कांति, उसकी उम्र थी 9 साल, वो भी बोली दादाजी मैं भी स्वराज के लिए काम करूंगी, ये चरखा चलाऊंगी, देश को आजाद करा दूंगी मैं। ये सारी बातों में उसको ध्यान ही नहीं रहा, बच्चों की बातें सुनने में लग गया, वो भूल गया सब कुछ। उधर 10 मिनट पूरे हो गए, 11वें मिनट होते ही जो है जो दारोगा नियामत अली था उसने अपने जवानों को लाठियां चलाने का आदेश दे दिया। अब सब लोग जो लाठियां बरसने लगी सब लोगों पे, और सारे जो थी रोली चंदन सब जो है इधर उधर थालियां गिर गई, खून ही खून सब में हो गया एकदम। जब पुलिस तो मार वगैरह के सबको घायल ऐसे ही छोड़ के चली गई। उधर घायलों में जो ये थे ठाकुर साहब, इनका पोता पोती इनका फैमिली थी उसी के अंदर ही, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जो विजय था उसकी हालत भी बड़ी खराब थी और सारा परिवार ही घायल हो गया था। तो जितने भी घायल थे सभी को ठाकुर साहब ने घर पहुंचाया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठ गया जिससे कि कोई वहां पे ना आए। विजय की दशा जो थी, जो ठाकुर साहब का पोता था उसकी
हालत बड़ी खराब होती जा रही थी, अब वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था। ठाकुर साहब के लिए संबंध में आ गया था, नोटिस भी आ गया था कोर्ट से। जब ठाकुर साहब भी मजिस्ट्री का इस्तीफा जो है त्याग पत्र अपने जेब में ही लेके गए थे और पहुंचे तो बोले मैं नहीं चाहता था मेरा कभी ऐसे उनका अड्डा मतलब है रहे, कभी नहीं रहा, ऐसा नहीं है, आप जो है गलत सोच रहे हैं ऐसा। परंतु अब जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे जो बगीची थी अमराई थी उसमें सयुंग का अड्डा नहीं था, पर जो मैंने अपने आंखों से देखा है कि आप लोग जो जनता के साथ हुआ है वहां पे सारा भेद मेरे साथ खुल गया, स्त्री पुरुष कैसे सब पे लाठियां चलवा दी गई, आज जो है मेरी आंखों के सामने सारा कुछ ऐसा हुआ है और मुझे विश्वास हो गया कि शासन बदलना चाहिए। ये शासन जो लोग हिंदुस्तानी है, असली हिंदुस्तानी वही है, हिंदुस्तानी का धर्म है कि वो इस शासन के सुधार में अपना पूरा पूरा सहयोग दे और अपना जो है धर्म जो है उसका पालन करे। और मैं भी हिंदुस्तानी हूँ तो मेरी जो राय साहब है मजिस्ट्रेट का जो पद से, मैं जो है अपने इस्तीफा देता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा ऐसा तो मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। और इस तरह से ठाकुर साहब जो है कोर्ट से बाहर इतना कहकर चले गए। दूसरे दिन अमराई में अब राष्ट्रगान गाते हुए लोग इकट्ठे होते और लोग फिर उनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते। 60 साल के जो बूढ़े ठाकुर साहब थे, सरकार ने उनको 6 जो है महीने की सख्त सजा सुधा सुना दी और साथ में 500 रुपए का जुर्माना, जुर्माने में उनकी अमराई भी साथ में ले ली गई। और जहाँ हर साल पहले बच्चे जो है बरसात के समय झूला झूला झूलते थे, वहीं पर अब पुलिस के जवानों को रहने के लिए पुलिस की जो चौकी थी वो बननी शुरू हो गई। इस तरह से अमराई खत्म हो गई और वो पुलिस चौकी बनी। तो ये थे हमारे देश के हालात आजादी से पहले, काफी सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है बच्चों। तो आप भी जितना कर सकते हो, आशा करती हूँ सभी लोग अपने देश के लिए अच्छे अच्छे जो है विचारधाराएं रखें। धन्यवाद।